माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्यालय में कार्यरत कार्यालय सहायक सत्यनारायण राठौर की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके साथियों द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके साथियों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया। शिक्षा विभाग में हुआ तो प्रथम प्रथम उनको 858 करके कोई पहले करते तो उनको चार दे दिया और उन्होंने बिल्कुल नौकरी थी लेकिन उसको भी बड़ी कर्मठ कार्य उसको निपटाए। 858 814 दो कोई अलग हेड थे उसको बिल्कुल निष्पादन करके इसको बजट का हो ऑडिट का हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट संबंधित हो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं जिसका काम ये नहीं था और उनका एक तो स्वभाव इतना मृदुल और सौम्य और किसी भी स्कूल से या बाहर से कोई व्यक्ति हो तो भी उनका काम बहुत अच्छा भी अनुभव प्राप्त होता काफ़ी सुविधा होती। मैं इनकी सेवा में व्यक्ति पर बधाई देता हूँ और उनकी आवश्यकता नहीं है कि सत्यनारायण जी जैसा व्यक्ति तो जैसा डी ने कहा कि बहुत विरले होते हैं। आपका जितना सहज और सरल व्यक्तित्व है हर कोई इनके स्वभाव का कायल है और कोई जिले का कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा इनका इनसे काम नहीं पड़ा हो कभी। इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सत्यनारायण जी से आग्रह और अनुरोध, जैसे कहते हैं कि सर मैं बहुत कर्ज वाला हो गया, यह सत्य व्यक्ति ही ऐसी सम्मान देने वाले व्यक्ति को समझता है कि मैं इनका कर्ज कब चुकाऊँ। अच्छी तरह से गुजरे आप स्वस्थ और दीर्घायु रहे ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और लेकिन उपलब्धि पर सेवानिवृत्ति कुछ ही लोगों की होती है जिसमें आप एक उदाहरण है। आपके तारीख में तो क्या कहें तो शब्द भी जो है वो बोने पड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से आप एक कालजयी व्यक्तित्व के रूप में मैं आपको मानता हूँ। आपने जो भी कार्य किए हैं कार्यालय में जैसा मेरा सुन रहा था आप सभी कार्य से आपको अच्छा लगा सुनकर हमारे परिवार का एक्सपीरियंस से आज सत्यनारायण जी ये व्यक्तित्व के बारे में बहुत समझे लोग और ये तो निश्चित है कि सेवानिवृत्ति होनी है और आज सत्यनारायण जी की सेवानिवृत्ति हो रही है। 60 साल की उम्र का हमारा बंधन है पर सत्यनारायण जी और मैंने भी किए एक इनकी सबसे बड़ी विषय